पाकिस्तान को एयर मार्शल, 4 को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी। एयर वाइस मार्शल शाहिद अख्तर अलवी और एयर वाइस मार्शल अहमद शहजाद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की हुई है, जबकि एयर कॉमोडोर इब्रार अहमद, एयर कॉमोडोर इरफान जका, एयर कॉमोडोर और इरफान अहमद और एयर कॉमोडोर असद इकराम की भी तरक्की हुई है। एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी ने 1984 में पाकिस्तान एयरफोर्स में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जमील अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जमील, बताइएगा एयरफोर्स में अफसरान की जो तकर्रियाँ हुई हैं, इस बारे में मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एयरफोर्स के 6 अफसरान की तरक्कियां की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की जाने से, जिसमें 2 अफसरान को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जबकि 4 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई, जिसमें सबसे पहले शाहिद अख्तर हैं और अहमद शहजाद हैं, जिनको एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जबकि 4 अफसरान जिसमें इब्रार अहमद शामिल है, इरफान जका शामिल है, इरफान अहमद शामिल है और असद इकराम शामिल है, इनको एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई। ये तरक्कियां एयरफोर्स में रूटीन का हिस्सा है और इस हवाले से जो एयरफोर्स की जाने से जारी प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि तमाम अफसरान को उनकी बेहतर कारकर्दगी और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की दी गई। इस हवाले से एयर मार्शल इरफान जका, एयर मार्शल एयर मार्शल इब्रार अहमद और इरफान अहमद और असद इकराम को जो एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई, जबकि शाहिद अख्तर और अहमद शहजाद को एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई। जी